हेलो, वेलकम टू माय सेशन। आज हम थोड़ा आस्थमा रिलेटेड वर्कआउट करेंगे, जिसमें हमारा प्राणायाम और हमारा योगा के कुछ स्ट्रेचिंग्स रहेंगे। तो पहले हम प्राणायाम से शुरू करेंगे। तो उसके लिए आप बैठ जाएं पद्मासन में, ओके, इन अ कंफर्टेबल आसन। तो पहले हमारा रहेगा, हम लॉन्ग 10 काउंट्स तक ब्रीथ करेंगे एंड ब्रीथ आउट करेंगे। तो धीरे धीरे सांस को लेंगे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट विथ मी एवरीवन। इनहेल, अनुलोम विलोम, राइट। उसमें क्या करना होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको सांस लेना होता है एंड राइट नॉस्ट्रल, एंड फिर आपका राइट नॉस्ट्रल बंद रहेगा, राइट। हाथ हम ऐसे रखेंगे, राइट, थंब से मैंने इस तरह को, मैंने राइट अपना जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसको बंद किया एंड राइट से मैंने सांस लिया, राइट, मैंने सांस लिया एंड देन मैंने अपना राइट नॉस्ट्रल बंद किया एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोल के सांस दूसरी तरह से छोड़ा, राइट। सो इसमें ऐसा है कि आप लेफ्ट से ले रहे हैं तो राइट आपका बंद रहेगा, फिर अगर आपको राइट से छोड़ना है तब आप अपना लेफ्ट साइड को बंद करेंगे। ओके, ये भी हम 10 काउंट्स करेंगे। लॉन्ग इनहेल करेंगे एंड लॉन्ग एक्सहेल करेंगे। ओके, सो हाथ ऐसे रखिए, थंब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल पे, दोनों फिंगर्स आपके राइट नॉस्ट्रल पे। ओके, सो इट शुड बी लाइक दिस। तो हाथ ऐसा है, अभी मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद किया, हाथ को ऐसे मत रखिए, ऐसे रखिए, राइट, स्ट्रेट, एंड आप ऐसे मत बैठिए, सिर्फ स्ट्रेट बैकबोन जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, एंड हाथ हमारा ऐसा, सो इनहेल स्लोली इनहेल, अभी राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल को खोलेंगे एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल स्लोली, जिस नॉस्ट्रल से छोड़ा है उसी नॉस्ट्रल से हम अभी इनहेल करेंगे, मतलब अभी हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही इनहेल करेंगे। राइट से अभी छोड़ेंगे, exhale,
करेंगे, आप अपना भस्त्रिका जिसे बोलते हैं, हम जब हाथ ऊपर लेंगे तो इनहेल करेंगे एंड फोर्सिवली हम एक्सहेल करके हाथ को नीचे लाएंगे, जैसे कि देखो ऐसे। इनहेल किया हाथ ऊपर लिया, एक्सहेल किया हाथ को नीचे लाए, और जब हम नीचे लाते हैं तो फोर्सिवली थोड़ा हाथ को लाना है, ओके, सो दैट हमारा लंग कैपेसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं एंड हमारा जो शोल्डर है वो आपका ओपन अप रहेगा, राइट, ओके, सो ये हम करेंगे। सो इनहेल करें धीरे धीरे हाथ ऊपर एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल
करेंगे and 8.
से ऊपर नीचे कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Very good. अब हम करेंगे हमारा जो है वेस्ट रोटेशन, जिसमें हम कर सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा हिप डिस्टेंस से ज्यादा खड़े हो जाएं एंड बैलेंस मेंटेन करें, देखें कि आप गिरे ना, राइट, एंड धीरे धीरे वेस्ट को रोटेट करना शुरू करें. ये हिप मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है. आप अपना हिप को पूरा अच्छे से रोटेट करें ऐसे सर्कुलर मोशन पे, 3, बैलेंस मेंटेन करें, गिरे नहीं, 4, 5, 6, 7 and 8 and clockwise opposite direction, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Very good. अब हम कर सकते हैं bending, right? Straight हाथ ऊपर and hip को हम ऐसे सीधा bend नहीं करेंगे. जैसे देखिए ये bend हो रहा है मेरा, right? मेरा backbone bending होना चाहिए. मुझे hip को push करते हुए I have to bend like. 1, 2. Hip को push करते हुए. Backbone straight. 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Very good. अब हम करेंगे थोड़ा knee rotation. तो उसके लिए हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, वैसे ऐसे थोड़ा सा बेंड होंगे. अगर आपको नी का प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको अवॉइड करें. अगर नी में कोई इश्यू नहीं है देन आगे कर सकते हैं. 4, 5, 6, 7 and 8. वैसे एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Very good. अब हम करेंगे, अभी हम बैठ जाते हैं. Okay. So, बैठ के हम अपना अभी ये कमर के लिए, पेट के लिए, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. It's quite easy, आप इजीली कर सकते हैं. बैठ जाएंगे, पैर को आगे की तरफ ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे रखना है स्ट्रेट. ओके, ऐसे ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा सा सीधा वॉल को फेस करते हैं, राइट, एंड हाथ को हम ऐसे रख देंगे एंड यू होल्ड एंड हम ऐसे चक्की घुमा रहे जैसे, राइट, 2, आएंगे पीछे जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, anti-clockwise direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Right? Okay. थोड़ा 5 seconds का gap. फिर से हम ये round repeat करेंगे. Okay? इसे हम long long inhale करें, long long exhale करें. Okay? करते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं एंड ट्राइंग टू
आएंगे पीछे जाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, राइट। नेक्स्ट आसन है, स्ट्रेट ऐसे ही बैठेंगे एंड हम हाथ ऊपर एंड हम नीचे टच कर दें। डोंट वरी, आप अगर इतना टच कर पा रहे हो देन ऑल्सो इट्स ओके, धीरे धीरे आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, कोई बात नहीं। तो वन ऐसे, टू थ्री फोर, सिर्फ फुट को टच करके ऊपर आए, फाइव जो ऊपर आ रहे इनहेल करेंगे, नीचे जा रहे एक्सहेल करेंगे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके। फिर से हम फाइव काउंट्स के लिए नो सांस, लंबी लंबी सांस लेंगे एंड सांस छोड़ेंगे एंड फिर से हम ये रिपीट करेंगे, ओके। सो करते हैं, हाथ ऊपर एंड आप अपना फुट को टच कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर, सिर्फ फुट को टच करके ऊपर आए, फाइव जो ऊपर आ रहे इनहेल करेंगे, नीचे जा रहे एक्सहेल करेंगे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके। अब नेक्स्ट हम करेंगे, हम ऐसे बैठे हैं, राइट। सो आप अपना जो लेफ्ट हैंड है राइट नी के ऊपर रखेंगे, राइट लाइक दिस एंड मैं थोड़ा सा बैठ सकती हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। आप सीधा बैठेंगे, लेफ्ट हैंड राइट नी के ऊपर एंड आप जो राइट हैंड है वो पीछे ऐसे, ओके। तो पूरा आप ऐसे रोटेट करें, राइट, जितना यू नो रोटेट कर सकते हैं, दोनों हाथ स्ट्रेट रहेगा, आपका बैकबोन स्ट्रेट रहेगा एंड आप ऐसे पीछे अपने शोल्डर्स के सीधा आप देख रहे हैं ऐसे, राइट। ऐसे हम लेफ्ट साइड करेंगे एंड राइट साइड करेंगे, ओके। लेट्स फाइव फाइव काउंट इस साइड करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कर सकते हैं वन मोर टाइम, राइट। चलिए फिर से रिपीट करते हैं इसी को टेन काउंट्स तक, ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन।
बड़े हो जाएंगे लेट्स डांस सो दिस इज क्वाइट इजी आप मैं आज सिंपल न्यू सेशन है फर्स्ट सेशन है इसलिए आज मैं सिंपल ही करा रही हूँ नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे इसको ओके पैर दोनों ऐसे हाथ ऐसे एंड योर लेग्स वन जितना आप नीचे जा सकते हैं ओके टू आपका हैंड स्ट्रेट है आपका ये लेफ्ट हैंड भी स्ट्रेट है जब आप नीचे ऐसे जा रहे हो तो आप ऊपर देखेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अच्छा सेम हम लेफ्ट हैंड साइड ट्राई करेंगे ओके वन जितना आपका हाथ नीचे जा रहा है उतना बस सब स्ट्रेट रहना चाहिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऊपर देखिए पांव की तरफ एट नाइन एंड टेन वेरी गुड 5 seconds का गैप लेंगे एंड फिर से इसको रिपीट करेंगे 5 seconds का गैप इसमें हम लॉन्ग लॉन्ग इनहेल करें एंड लॉन्ग लॉन्ग एक्सहेल करें ओके आइए फिर से इसको रिपीट करते हैं दोनों पैर से दोनों हैंड स्ट्रेट एंड ऐसे जा रहे तो ऊपर देखेंगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अच्छा सेम हम लेफ्ट हैंड साइड ट्राई करेंगे ओके वन जितना आपका हाथ नीचे जा रहा है उतना बस सब स्ट्रेट रहना चाहिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऊपर देखिए पांव की तरफ एट Nine and ten. Very good. Next हम करेंगे थोड़ा leg raise. So हम फिर से पीठ नीचे बचेंगे. Okay. And यहाँ पे हम अपने leg चलेंगे. Right. And हम अपने leg को raise करेंगे. Right. So अगर आपको और नए हैं पहली बार कर रहे हैं तो हाथ जो है वो कमर के नीचे. दोनों हाथ कमर के नीचे रखेंगे. एंड दोनों लेग को एक साथ ऊपर उठाएंगे ऐसे स्ट्रेट एंड डाउन वन जब ऊपर ला रहे हैं इनहेल करेंगे नीचे जा रहे तो एक्सहेल करेंगे इनहेल कम अप एक्सहेल गो डाउन टू थ्री Four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Very good. थोड़ा 5 seconds का गैप एंड हम ये फिर से रिपीट करेंगे लॉन्ग लॉन्ग इनहेल एंड एक्सहेल करें
करते हैं। सो लेग रेज, दोनों हैंड्स को कमर के नीचे एंड लेग को उठाएंगे। वन, इनहेल करें ऊपर आते आते एंड एक्सहेल करें नीचे जाते आते। टू, करेंगे।